मछलियों के सभी प्रजाति में शार्क इकलौती ऐसी मछली है जिनकी आंखों पर इंसानों की तरह पलकें होती हैं। एक उड़ने वाली मछली समुद्र से 6 मीटर तक ऊंची होकर 50 से 200 मीटर तक हवा में उड़ सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली का नाम दैत व्हेल शार्क मछली है, जिसकी लंबाई 2 स्कूल बस जितनी होती है। इस मछली का वजन करीब 25 टन होता है। इस शार्क के मुंह में 4000 दांत होते हैं जो कि 3 मिलीमीटर के आकार के होते हैं। समुद्री घोड़ा मछली सबसे धीमी गति से तैरती है। ये मछली 5 फीट की दूरी काटने के लिए भी 1 घंटा लगा देती है। हैमरहेड शार्क 500 के समूह में चलती है और इस समूह में सबसे शक्तिशाली मादा समूह के बीच में होती है, और जब वो सहावस के लिए तैयार होती है तो समूह के दूसरी मादा के साथ दोनों तरफ से सिर मिलाती है और इसके बाद वो अपना स्थान उस मादा को दे देती है। बैटफिश एक ऐसी मछली है जिसको अगर खतरे का आभास होता है तो बिल्कुल स्थिर हो जाती है, जिससे वो पानी के अंदर बहते एक पत्ते की तरह दिखती है। अमेजन नदी में पूरे यूरोप से भी ज्यादा प्रकार की मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भी समुद्र की गहराई में लाखों जीवों की प्रजातियां उन्हें खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, मतलब कि अभी भी लाखों की संख्या में अलग अलग जीवों की प्रजातियां समुद्र में मौजूद हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एनाबिलिप्स मछली की 4 आंखें होती है और यह मछली एक ही समय में ऊपर और नीचे देख सकती है। दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पिराना नामक खतरनाक मछली की प्रजाति पाई जाती है। ये मछली अपने नुकीले दांत की मदद से आसानी से एक इंसान को मार डालती है। सबसे ज्यादा इंसानों का शिकार पिराना मछली द्वारा इसी विस्तार में ही हुआ है। ये मछली की लंबाई 14 से 43 सेंटीमीटर तक होती है। गोलियाथ टाइगर फिश इतनी खतरनाक मछली होती है कि ये मगरमच्छ को भी खा जाती है। रोहू नामक मछली का शरीर नाव की तरह होती है जिनकी मदद से वो समुद्र में बहुत ही आसानी से तैर सकती है। ताजे पानी के गोल्डफिश को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और इसी वजह से ज्यादातर मछलियां घर में यही फिश पाई जाएगी। अमेजन लेसल इट्स नामक अफ्रीकन मछली इंसान को बहुत ही आसानी से निगल सकती है और जब भी ये हमला करती है तो शरीर पर छुरा घोंपने जैसा निशान पड़ जाता है। अमेजन नदी की गहराई में रहने वाली असानसिस नामक मछली अपनी जीभ से शिकार को मसलती है क्योंकि उनकी जीभ हड्डियों से बनी होती है। एलिगेटर गार नामक मछली भी शार्क मछली की तरह खतरनाक और मगरमच्छ की जितनी बड़ी होती है, जो इंसानों पर सबसे ज्यादा हमला करती है और बहुत ही आसानी से इंसान को खा जाती है। इसलिए जहां पर ये मछली पाई जाती है इस जगह से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। हिमालय की तलटी में खतरनाक नरभक्षी मछली प्रजाति पाई जाती है जो इंसान पर हमला करती है और वही उन्हें मौत के घाट उतार देती है। इस मछली का नाम है किलर कैटफिश। अफ्रीका की कांगो नदी में पाए जाने वाली डीमन फिश दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है। ये मछली इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े जीवों को भी बहुत आसानी से निगल जाती है। सालमन नामक मछली की प्रजातियां प्रजनन करने के लिए समुद्र से नदियों तक की लंबा सफर करता है और मीठे पानी की नदियों में अंडे देती है। जब अंडे दे देती है तब फिर से नदियों के मार्ग से समुद्र में वापस आ जाती है।